कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विजन और मेरा नाम है ईशा। दोस्तों आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही बढ़िया हेयर सीरम जो आपके हेयर को बहुत ही स्मूथ और अच्छा बना देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों आज मैं इस हेयर सीरम के बारे में बात करने वाली हूँ, ये है स्ट्रिक्स का हेयर सीरम। दोस्तों स्ट्रिक्स का जो ये हेयर सीरम है मैंने इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया है। मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी एंड इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 मंथ हो गया है एंड इसके बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रही हूँ। इससे पहले मैं OGX का यूज़ कर रही थी जिसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया था, जो कि मेरा फेवरेट 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 है, बट वो थोड़ा महंगा पड़ता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना OGX तो मैं इतने 2-3 साल से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं क्यों ना थोड़ा सा चेंज कर लूँ हेयर सीरम। तो इसीलिए मैंने इस बार ये वाला परचेस किया। बहुत साल से मैं इसको मार्केट में देखते आ रही हूँ लेकिन आज तक मैंने इसको पिक नहीं किया, आई डोंट नो क्यू, बट नहीं किया है। तो दोस्तों अब मैं ये हेयर सीरम के बारे में आपको बताती हूँ। दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 210 रुपीज़ एंड 210 रुपीज़ में आपको 100 ml की क्वांटिटी मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। दोस्तों देखिए पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड इस पे एक जो है ये कैप आता है एंड ये पंप बॉटल है, ये देखिए पंप करने वाला बॉटल है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी आपकी बची हुई है। तो इसको मैं अच्छा खासा यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं इतना मैंने यूज़ कर चुकी हूँ इसको। बताया गया है ये देखिए इसमें डिटेल्स दी हुई है सामने एंड इसमें बताया है कि इसमें वॉलनट ऑयल है। दोस्तों इसकी जो पीछे डिटेल्स दी हुई है इसमें पहले तो लिखा हुआ है कि ये बालों को बहुत स्मूथ बना देगा, सिल्की बना देगा एंड शाइनी बना देगा एंड आपके हेयर के फ्रीज को एकदम दूर कर देगा। एंड जो सेकंड है वो कैसे यूज़ करना है वो लिखा है कि 2 से 3 ड्रॉप अपने हाथों में लेना है, देन उसको रब करना है एंड डैम्प हेयर जो हल्के गीले हेयर होते हैं उस पर अप्लाई करना है आपको। ये जो क्लेम है इसका मुझे ट्रू लगता है क्योंकि मेरे हेयर पे बहुत ही अच्छे से ये वर्क कर रहा है। जैसा कि इसमें क्लेम किया गया है दोस्तों आपके हेयर वाकई में स्मूथ, सिल्की और शाइनी हो जाते हैं एंड फ्रीज को काफ़ी हद तक ये दूर रखता है। आई थिंक 2 to 3 hours आपके हेयर में तो बिल्कुल भी फ्रीज नहीं आते हैं एंड 2 to 3 hours के बाद हल्के हल्के फिर से, अगर आप यू नो ऑफिस में नहीं बैठे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो और धूप में घूम रहे हो, तो 2 to 3 hours के बाद हल्के से फिर से फ्रीजी होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों इसमें लिखा है कि ये डैम्प हेयर में यूज़ करना है, जो कि है कि आप हेयर वॉश करते हो देन हेयर वॉश करके आने के बाद जब आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले होते तब नहीं अप्लाई करना है, थोड़ा सा सूखने दीजिए, थोड़ा हल्का गीला हल्का सूखा, जो एक ये होता है ना सूखने के थोड़ा देर पहले तब इसको अप्लाई कीजिए। जब हल्के गीले सूखे बाल रहे हैं तो 2 से 3 pumps आप इसको अपने हाथ पे ले लीजिए। मैं सिर्फ 2 pumps लेती हूँ इसका अपने हाथों पे एंड देन उसको अच्छे से रब करके हाथों के बीच में देन डैम्प हेयर में मैं अप्लाई कर देती हूँ। रूट्स पे मैं अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो हेयर सीरम होते हैं वो थोड़े से सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, जो कि रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स रूट्स पे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वो हेयर के जड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो कितना भी अच्छा सीरम हो आप जड़ों पे मत लगाइए, 1 inch छोड़ के आप बालों से उसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद एक अच्छा सा आप जो भी हेयर ब्रश एंड या फिर कोम यूज़ कर रहे हैं उससे अच्छे से हेयर को ब्रश कर लीजिए ताकि ये पूरे बालों में अच्छे से फैल जाए, अच्छे से लग जाए एंड देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। बहुत ही अच्छा हेयर सीरम है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मैं आप लोगों को इसका टेक्सचर भी बता देती हूँ। ये देखिए पंप बहुत ही अच्छा है इसका, ये देखिए इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं है, आप जैसे देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है फैल जाता है एंड ये देखिए एक पंप में कितना सारा निकलता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा निकलता है एंड ये पूरे तरह से बालों में लगाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है, देखिए ये दिखने में ऑयली जैसा लग रहा है लेकिन ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, आपके बालों को बिल्कुल भी ऑयली नहीं करेगा एंड बहुत ही अच्छे से स्मूथ एक टेक्सचर देगा आपके बालों को। एंड देखिए ये ऐसा है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, फ्रेग्रेंस थोड़ा सा है, जस्ट एकदम थोड़ा सा जो कि 15 to 20 minutes के बाद चला जाएगा एंड ये एकदम पतला ऑयल जैसा है। देखिए दोस्तों बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं है, एकदम पतला ऑयल जैसा है एंड पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है ये बालों में जब आप अप्लाई करते हो। तो इसका टेक्सचर आपने देख लिया जो कि थोड़ा सा रनी टेक्सचर है लेकिन बालों में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मेरे जो हेयर है अभी शोल्डर से थोड़े से बड़े हैं, मैंने हेयर कट किया है तो
मुझे दो पंप लगते हैं, मैं अच्छे से उसको अप्लाई कर लेती हूँ, दो पंप लगते हैं मुझे। एंड अगर आपके बाल थोड़े से और बड़े हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप देखिए कि आपके बालों में आपको कितना पंप लगता है, उस हिसाब से आप लगाइए। टेक्सचर भी आपने देखा थोड़ा सा रनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, तो आपके बालों को जो है ना वॉल्यूम कम नहीं करेगा। थिन हेयर वालों के लिए तो ये हेयर सीरम बेस्ट है क्योंकि वॉल्यूम आपके बालों के कम नहीं करेगा। दोस्तों मैं एक टिप आपको देना चाहती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ। हेयर सीरम को यहाँ पे हमेशा लिखा रहता है कि डैम्प हेयर पे लगाना चाहिए, बट जब 2 से 3 आर बाद मेरे बाल फिर से फ्रीजी होने लगते हैं या मैं धूप में घूम रही हूँ, थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं मेरे बाल, तो मैं एक पंप और लेती हूँ और सूखे बालों में भी उसको लगा लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मीट, सूखे वालों पे भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, गीले वालों पे थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, बट अगर सूखे वालों पे भी आप थोड़ा लगा लो तो वो फिर से थोड़ा सा शाइनीनेस और स्मूथनेस ला देता है आपके बालों में, फ्रीज थोड़ा सा फिर से कंट्रोल कर लेता है। एंड दोस्तों आप लोग जो कमेंट मुझे करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं पढ़ के, कोई कोई लोग अपना नाम लिख रहे हैं, कौन से सिटी से है वो लिख रहे हैं, मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा फील होता है जब आपकी वीडियोस कोई देखता है एंड एक स्वीट सा कमेंट छोड़ देता है। दोस्तों अगर आपके पास कोई सजेशन है, मेरे वीडियो को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाहते हैं, कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है वो निकालना चाहते हैं, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइए। कुछ कुछ लोगों ने कमेंट सेक्शन पर बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, सारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ। थैंक यू सबको, थैंक यू जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। तो ये था मेरा रिव्यू ये स्ट्रिक्स हेयर सीरम पे, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। एंड मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय।